खबर शामिल करेंगे दिपालपुर से डिजिटल डिप्टी मैनेजर लेस्को सब डिविजन मियाँ तारिक बशीर की सरबराही में लेस्को टास्क फोर्स का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। दिपालपुर दौराने चेकिंग दो बिजली चोरों को डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया और एक बोगस मीटर भी पकड़ा गया। सार्फ ने बोगस मीटर चोरी करके अपने घर लगाया हुआ था, जिनके खिलाफ थाना सिटी में एडिशनल डिप्टी मैनेजर लेस्को सब डिविजन मियां तारिक बशीर की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानब दीपालपुर में ट्रैक्टर की कलाबाजियां, पुल ब्यास 29 डी के करीब एक्सल टूटने से ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते हुए ब्यास में जा गिरा। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पुल ब्यास 29 डी में एक्सल टूटने से ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते हुए ब्यास में गिर गया। अयूब नोनारी नामी ड्राइवर शदीद जख्मी, जख्मी को तश्वीशनाक हालत में THQ हॉस्पिटल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, सूबाई वजीर एक्साइज एंड टेक्नीशियन पंजाब हाफिज मुमताज अहमद ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि कंप्यूटराइज नंबर प्लेटों के इजरा में रिकावटें दूर कर रहे हैं, जल्द प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने बेवगान के साथ तलाक याफ्ता खवातीन को भी प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तंशनी करार दे दिया। इन्होंने अफसरान को हदायत की कि टैक्स हंदगान से रवैया बेहतर अपनाएं, करप्शन का खात्मा और रेवेन्यू में इजाफा हुकूमत पंजाब की अव्वल तरजीहात है। मजीद तफसीलात बता रही हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद राठौर। जी, गुजरात में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब हाफिज मुमताज अहमद ने खुली कचहरी से खताब करते हुए कहा कि कंप्यूटराइज नंबर प्लेटों के अजरा में रुकावटें दूर कर रहे हैं, जल्द ही प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने बेवगान के साथ साथ तलाक याफ्ता खवातीन को भी प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया है। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि टैक्स दहिंदगान से बेहतर रवैया अपनाएं, करप्शन का खात्मा और रेवेन्यू में इजाफा हुकूमत पंजाब की तरजीहात में हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से किसी शहरी को खुली कचहरी की आगाही ना दी गई, जिसके बायस खुली कचहरी में शहरियों की शिरकत ना होने के बराबर थी। सिर्फ एक शहरी ने शिकायत दर्ज करवाई। खुली कचहरी के हवाले से शहरियों को आगाह ना करना महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स पे सवालिया निशान है। आफ्ताब राठौर, कॉरेस्पॉन्डेंट, गुजरात। उसके बाद अभी एक दो इश्यूज थे कि वो एक पार्टी जब के ऑप्शन की गई, एक जो बिड होने के बाद एक पार्टी कोर्ट में चली गई, जिस वजह से 3 माह का उसमें स्टे आ गया। स्टे के बाद हमने पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करके एडवोकेट जनरल साहब से वो हमने स्टे खारिज करवा लिया था। उसके बाद ये इशू बना जब हमने दोबारा लाओ ला से ओपिनियन ली है, फिनांस से ली है कि जो पेपरा में 140 डेज होती हैं टाइम पीरियड होता है इसमें, कि वो हमसे हमने उधर से ओपिनियन लेकर ला से कि वो जो टाइम था स्टे का वो हमने उसमें लेस करवा दिया है, जिसके बाद अभी हम पेपरा रूल्स के मुताबिक उसी कंपनी के साथ दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स थे वो भी इसी पर ही इंशाल्लाह विद इन 60 डेज या 90 डेज कह रहे हैं 2 या 3 मंथ्स में आपको नई नंबर प्लेट्स भी मिलेगी और विद यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो स्मार्ट कार्ड का इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि लेमिनेशन पेपर था जो कि ख़त्म कर दिया गया था कंपनी की तरफ से, वो एक टेक्निकल फॉल्ट था। हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस कंपनी को शोकास्ट भी दिया है। थाना बसीरपुर के नवाही गांव मखन ठक्कर के दुकानदार अल्लाह यार की दुकान के ताले तोड़कर नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। बाकी कसर जाली पीर ने निकाल दी, जिस पर मुकामी जाली पीर मारूफ शाह ने दुकानदार को वर्गलाया कि हमारे पास जिन्नात कैद हैं, आप 5,000 रुपये नकदी जिन्नात की कड़ाई के लिए दें, बेटी जिन्नात के जरिए आपके चोर शनाख्त करवा देगी। दुकानदार ने मान लिया। रात के अंधेरे में पीर की बेटी ने दुकानदार के घर अमल शुरू किया और जाते हुए कहा कि कमरे में मामूली आग लगेगी, किसी ने कमरे में दाखिल नहीं होना। कुछ देर बाद कमरे में आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
दुकानदार ने जली पीर के खिलाफ थाना बसीरपुर में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। जली पीर मारूफ शाह ने मीडिया को बताया कि मेरी बेटी ने दुकानदार अल्लाह यार के घर जाकर अमल जरूर किया है, लेकिन आग हमने नहीं लगाई। अमर शामिल करेंगे सरगोधा से। सरगोधा DHQ हॉस्पिटल का एक हफ्ते से तहसील के हॉस्पिटल से राबता मुंतक, हॉस्पिटल का बिल जमा ना होने पर टेलीफोन राबता काट दिया गया। DHQ सरगोधा की तहसीलों के हॉस्पिटल से भी राबता बंद, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। DHQ डॉक्टर्स का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार नोटिस लें। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं सरगोधा से, जहां पर DHQ हॉस्पिटल का नंबर बंद कर दिया गया बिल की बगाचात की वजह से, और उनका राबता तमाम तहसील के हॉस्पिटलों से कट कर रह गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ कलियार। जी हनीफ बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोधा DHQ तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं कि इनके पीटीसीएन नंबर हैं जो वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये सरगोधा डिवीजन भर का एक वाहिद अस्पताल है जहाँ पे मरीजों की सहूलतें फराहम की जाती हैं। तो जितनी भी तहसीलें हैं इनके अस्पताल इनसे बिल्कुल रबता कट चुका है और मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना है। डॉक्टर साहबान का यही कहना है कि हमारा इन बिल्कुल अस्पतालों से रबता कट चुका है, तो अगर कोई बकायजात हैं तो ज़िले इंतजामी को चाहिए कि इनके वाजबात अदा करके ये पीटीसीएल नंबर हैं जो ये उनकी फौरी बहाली का जो वो किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे कादराबाद से, जहां से आपको एक ऐसे उस्ताद रिटायर्ड उस्ताद से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा एज ए सोशल वर्कर अपनाया। जिस काम से दिल को सुकून मिलता है उसको करने का अलग ही मजा आता है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए इस वक्त हमारे रिपोर्टर फारूक गुज्जर वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी फारूक, जरा बताइएगा कि इनका क्या कहना था। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BHU कादराबाद में। यहाँ पे हमारे साथ एक रिटायर मास्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे सोशल वर्कर की हैसियत से काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं इन्होंने ये शोभा क्यों इख्तियार किया, वजह क्या है, आपका दिली सुकून होता है मिलता है या क्या वजह है, आइए जानते हैं उनसे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद नियत है, मैं रिटायर टीचर हूँ। तो मैं जब यहाँ दवाई लेने पर के लिए आया तो मैंने देखा कि यहाँ भला कम है, तो मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि मैं यहाँ पर बतौर सोशल वर्कर काम करूँगा और यहाँ मुझे काम करके बहुत ही दिल सुकून होता है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। कैमरा टीम के साथ फारूक गुज्जर, CITY 5 न्यूज़ कादराबाद। चुंडा दही मरकज में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी का आगाज कर दिया गया है। अपने सेहत कार्ड के हवाले से मालूमात के लिए चुंडा दही मरकज तशरीफ लाएं और अपने मोबाइल से 8500 पर मैसेज करें। इसके बाद आपको मैसेज मसूल हो जाएगा कि आपका सेहत कार्ड हासिल करने के अहल हैं या नहीं। इस वक्त हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मौजूद हैं वहां पर, असमतुल्लाह भट्ट साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी असमतुल्ला, जी बिल्कुल, इस वक्त हम दही मरकज चुविंडा में मौजूद हैं और यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड जो है उसकी फरहमी जो है जारी और सारी है। इस वक्त हमारे साथ मुबीन मुस्तफाई जो है वो मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कार्ड के हवाले से जिन लोगों के कार्ड नहीं बने और जिन लोगों के कार्ड बने हैं उनको कैसे ये कार्ड मिल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ऐसे इधर सोशल मोबिलाइजर काम कर रहा हूँ, ऐसे मुबीन मुस्तफाई नाम है मेरा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये पहले बताता चलूँ कि जिन लोगों के कार्ड बने हैं उनकी लिस्टें हमारे पास हैं, हमने पूरे इलाके में वो लिस्टें दे दी हैं, ठीक है, तकरीबन हर गांव में वो लिस्टें चली गई हैं, ठीक है, ऐलानात भी हो रहे हैं। जिन लोगों के कार्ड बने हैं उनके गांव वाले जो जानते हैं लोग, बड़े लोग बुज़ुर्ग हैं उनको पता है, वो उनको इधर भेज रहे हैं। बाकी हमारी तीन जो हैं मोबाइल टीमें हैं वो गाँव में भी जाकर काम करती हैं, ठीक है। बाकी हम इधर RHC में बैठे हुए हैं, स्टैटिक टीम है ये हमारी, और हम सुबह 9 से लेकर 5 तक बैठते हैं। जिन लोगों के कार्ड बने हैं सर, उनका बेहतर तो यह हल है कि अगर उनको नहीं मिली लिस्ट, उनको पता नहीं चला, तो ऐसा करें कि अपना ID कार्ड नंबर जो है 8500 पर मैसेज करें, 8500 पर अपना ID कार्ड नंबर मैसेज करें।
उसमें दो तरह के रिप्लाई आएंगे आपको। वो ये होगा पहला कि अगर आप इस सहूलत के अहल हैं तो आप तशरीफ ले आएँ, अगर वो अहल नहीं हैं तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप सर्वे होगा दोबारा 3 माह के बाद, उसमें अगर आपका नाम ऐड कर दिया जाता है तो आप दोबारा आ जाइएगा। तो दोबारा जब ये सर्वे होगा, जिन लोगों के कार्ड नहीं बने उनके दोबारा बन जाएंगे उस सर्वे में? बात यह है जो हमारे सुनने में आया यही है कि इसमें पूरा पाकिस्तान हर शहरी इस सहूलत का फ़ायदा ले सकता है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप, अभी कुछ लोगों के बने हैं, इसके बाद दोबारा सर्वे होगा वो जो 10 साल पहले सर्वे होता है, इसी तरह दोबारा सर्वे होगा जिन लोगों का हक बनता है उनको दोबारा ऐड किया जाएगा। अच्छा, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके भी कार्ड कह रहे हैं कि बन के आ गए हैं, उनके तरीका का क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा? उनका तो यही है कि उनकी जो वाइफ है वो आ जाएँ, अगर वाइफ भी नहीं है तो उनका कोई बेटा आ जाए जिसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, हम उनको कार्ड दे देंगे, उससे वो सहूलत से फ़ायदा ले सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी गुमान है कि हम जिम्मेदार वडेरे और सियासतदान की अप्रोच से ये कार्ड हासिल कर सकते, क्या ऐसा मामला भी है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि अगर किसी इलाके में हम नहीं पहुँच पाते, जिस तरह हम इस इधर के रहने नहीं हैं, रहने वाले नहीं हैं हम इधर, तो ज़ाहिर है हम इधर बैठे हैं, अगर कोई बंदा बाहर से कोई सियासी पार्टी वाला या दूसरा बंदा तावन करता है हमारे साथ कि आप आए हमारे पास और इधर बैठकर आप कार्ड दे दें, तो बस ये है, बाकी उसमें ना वो कार्ड नहीं ऐड करवा सकता है और ना ही ऐसा हो सकता है, ना ही को कार्ड ऐड करवा सकते हैं ना ही कैंसिल करवा सकते हैं। जी बस ऐसा ही है, ये तरीका कार उन्हीं के पास, इख्तियार उन्हीं के पास, जो हमारे पास कार्ड आ गए हैं बस वही हम दे सकते हैं, उसमें ना ऐड कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, बस ये। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम आपको चुविंडा दही मरकज से अपडेट कर रहे थे, कैमरामैन बिलाल के साथ असमतुल अब्बा, डिविजनल ब्यूरो चीफ गुजरांवाला चुविंडा। खबर शामिल करेंगे सरगोधा जंग रोड अड्डा कड़ियावाली पर शालीमार डेवो नंबर PSP 400 एक और जिंदगी निकल गई। जंग रोड अड्डा कड़ियावाली पर शालीमार डेवो ने एक मोटरसाइकिल सवार मुमताज पौली कोट ईसा शाह का रिहायशी जहां भाग हो गया। नवाकिन और अलाका मकीनों की मेन रोड पर हर तरह की आमदोरफ्त को ब्लॉक कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खान। जी इमरान, बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, सरगोधा जंग रोड अड्डा कड़ियावाला पर शालीमार डेवो की एक मोटरसाइकिल सवार मुमताज पावली जो कि कोट ईसा शाह का रिहायशी बताया जाता है को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मुमताज मौका पर ही जान बाँक हो गया। लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने मेन रोड को हर तरह की आमदोरफ्त के लिए ब्लॉक कर दिया और लवाहिकीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन जवेद भट्टी के साथ इमरान खान, सिटी 5 TV जंग। खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से जहां पर अमन की फाख्ता कारवान वजीराबाद पहुंच गया। कश्मीर में जारी जुल्म और सितम के खिलाफ शोर कोट का शहरी इस्माइल अमन कारवां पर मुल्क भर के सफर पर है। मोटरसाइकिल रिक्शा पर फाख्ता का मॉडल लगाए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करने वाला इस्माइल वजीराबाद पहुंचा तो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। अल्लाह वाला चौक में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल का कहना था कि कश्मीर 72 बरसों से जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ आलमी ठेकेदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। गुज़श्ता 2 माह से भारत ने कश्मीरी मुसलमानों को यर्ग गमाल बना रखा है। बच्चों, बुजुर्गों, हवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीर में कर्फ्यू और जुल्म जबर पर अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर अदारों की खामोशी दुनिया भर के मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इमरान खान ने आलमी अदारों को कश्मीर में जारी मुजालिम से आगाह करते हुए भारतीय जुल्म और बारबियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, मगर इनकी जानिब से भारत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि कश्मीरियों को उनका हक रायत दिए बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकता। आलमी बरादरी पाकिस्तानियों की अमन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इलाके को जंगों की तबाही से बचाने में अपना किरदार अदा करे। मजीद उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, आइए आपको सुनवाते हैं। शाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, फलस्तीन हो या बर्मा हो, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से भी जुल्म हो रहे हो, अक़वामे मुत्तहिदा ने कभी नोटिस नहीं लिया। हमारा इस अमन की फाख्ता के ऊपर निकलने का मतलब अक़वामे मुत्तहिदा के ज़मीर को झंझोड़ना है।
تاکہ وہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کا فیل فور نوٹس لیں اور وہاں پر ظلم اور بربریت کا خاتمہ کیا جائے. اور جیسا کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے انڈیا کو برباد کرنے کی بھرپور قوت ہونے کے باوجود پاکستان نے امن کا دامن نہیں چھوڑا, تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم ایک پرامن اور محبت کرنے والی قوم ہے اور ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں.